Hello guys, welcome back. I'm Master Janim Kesar from Superior Institute of Chinese Martial Arts, Pakistan. आज हम आपको सिखाएंगे कि अगर कोई आपको स्ट्रेट पंच कर देता है तो आप चोली फुट की टेक्निक्स के जरिए उसको कैसे काउंटर करते हैं और चोली फुट की टेक्निक्स बेइंतहा जारहाना और इफेक्टिव टेक्निक्स हैं। इसके अंदर सिंपली आप ब्लॉक करते हैं चोली फुट की, जैसे कि ब्लॉकिंग बड़ी हार्ट अटैक ब्लॉक इसका होता है। इसी तरह आपने इसके ब्लॉक को पावर से अगर लोअर पंच आ रहा है तो आप नीचे को लेंगे एंड देन बॉडी फोर्स से आप हिट करते हैं। इसको थोड़ा सा ये देख लें कि आपने ब्लॉक एंड देन जब आपका अटैक है उसके अंदर आपके बॉडी फोर्स पूरी बॉडी के फोर्स के साथ आप इसको हिट लेते हो, पूरा बॉडी फोर्स एक बार आप यूटिलाइज करते हैं। इसका प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं ये कैसे एप्लीकेबल होगी। अगर आपको लोअर पंच आता है तो आप उसके रेंज में रहते हैं तो पंच आपको हिट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसके रेंज से निकलना है, सेकंड आप इसको यहाँ से ब्लॉक को लेके जाएंगे, ठीक है। आपको पंच आता है आप उसको साइड पे लेते हैं, देन इसके अंदर आपने पूरी बॉडी फोर्स के साथ उसके लोअर पोर्शन को आपने टारगेट करना है। खेलने को आप इसके आगे भी नेक्स्ट पंच एल्बो कुछ भी खेल सकते हो, लेकिन चोली फुट की स्ट्राइक्स इतनी पावरफुल होती हैं कि अगर आपने प्रॉपर अटैक कर दिया तो आपको उसके बाद नेक्स्ट स्ट्राइक की जरूरत रहती ही नहीं है। लेट्स सी, आपने इसको ब्लॉक करना है लोअर एंड देन बॉडी फोर्स के साथ आपने हिट कर देना है, ठीक है। साइड चेंज करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए जो बेसिक कॉन्सेप्ट। आपने अपने स्टांस पे फोकस करना है, अपोनेंट पे फोकस करना है, विजिलेंट रहना है ड्यूरिंग फाइट, चाहे वो स्ट्रेट फाइट है चाहे वो रिंग के अंदर फाइट है, आपका विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपने खुद को ब्लॉक करते हुए यहाँ से एंड देन बॉडी फोर्स के साथ हिट्स प्रॉपर आप करते हैं, ठीक है। इंतहाई पावरफुल स्ट्राइक लगता है। आपने अपने अपोनेंट के ऊपर पूरे फोकस के साथ, बहुत ही इफेक्टिव सिंपल टेक्निक है बट डेफिनेट आपने हमेशा इसको पूरी प्रैक्टिस के साथ इस्तेमाल करना है। विदाउट प्रैक्टिस ये आपको उतना बेनिफिट नहीं दे सकती, इसलिए इसको पूरी प्रैक्टिस के साथ इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ अल्लाह हाफिज़।